तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है डाउट क्लियरिंग सेशन एज वेल एज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर बात मैं मॉड्यूल सेवन का जब लेक्चर वन स्टार्ट किया राइट right उसमें जस्ट मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डिस्कशन किया हुआ था जिसमें जिसमें मैंने मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का है ना Uh, मैं एक जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था जिसमें मैथमेटिकली डिफाइन किया हुआ था एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्लियर बात है तो उसी टाइम से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहे थे कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है सर है ना इसके बारे में एक वीडियो जरूर बना दीजिएगा सर राइट right? तो मैं आज के इस लेक्चर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूंगा क्लियर बात द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जब मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूंगा तो एरिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग बात करेंगे ठीक है एज वेल एज मास मोमेंट ऑफ है ना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे राइट तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन में है ना क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं इसके बारे में डिस्कस करता हूं राइट right? दैट आज सेशन में है ना मैं आ, क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं किस तरह से चीजें होने वाले आज की सेशन में मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको तो एक तो मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूंगा क्लियर बात फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया राइट डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं बात करूंगा डियर यहाँ पे बिल्कुल आ, है ना केयरफुली सुनिएगा मैं इसमें बात करूंगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्लियर बात देन सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्लियर है एज वेल एज फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास देन सेकेंड मोमेंट ऑफ मास क्लियर बात ये मैं डिस्कशन करूंगा डाउट क्लियरिंग सेशन में समझ रहे हैं क्या बात को ठीक है सो दिस इज रिलेटेड टू एरिया है ना दिस टू आर रिलेटेड टू एरिया एरिया से रिलेट होगा और एंड दिस टू आर रिलेटेड टू मास क्लियर है राइट right? जिसमें से आपको इतना तो समझ में आ गया है राइट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेक्चर नंबर वन मॉडल सेवन का कि सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया को हम लोग बोलते हैं भैया एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा केयरफुली एंड सेकंड मूवमेंट ऑफ मास को हम लोग बोलते हैं भैया मास मूवमेंट ऑफ इनर्सिया क्लियर है बात क्लियर है ओके okay. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का है ना ये कमेंट्स आया हुआ था मैं देखा कि सर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया और सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है सर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा ठीक है तो पहली बात पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको ठीक है कि भैया ये जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब बोल रहे हो आप फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर और बोल रहे हो आप सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है वेरी केयरफुली सुनिएगा मैंने क्या कहा फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा तो बिल्कुल भी होता ही नहीं है होता ही नहीं है अरे बात समझ में होता है तो क्या

को मैथमेटिकली डिफाइन करने गया मासमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली डिफाइन करने गया राइट right? तो मैं दो बार मूवमेंट्स की बात किया था एरिया का इसलिए सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ऐसा बोलना चाहिए था मेरे को है ना तो वहां पे थोड़ा सा कभी ऐसा होता है एज ना जैसे मैं एज अ स्टूडेंट भी बात करूं ठीक है तो कभी कभी हमको ऐसा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम है ना आ, बोलते बोलते कुछ और बोल जाते हैं लेकिन हमको हमको समझ में आता है कि हमने सही बोला समझ रहे हैं क्या बात को लिखते लिखते ही हमको ऐसा लगता है कि हम सही लिखे हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वहां पे गलत लिख के आ जाते हैं और बाद में समझ में आता है कि हमने वहां पे एक्चुअली कुछ मिस्टेक कर गए ऐसे करके है ना तो जब मैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है इसको मैथमेटिकली जब डिफाइन किया ना डियर ओके तो मेरे को एक्चुअली 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 मेरे को बोलना चाहिए था क्या सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऐसा बोलना चाहिए था ठीक है तो यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मेरे से क्लियर बात है आ रही बात समझ में यहां पे बोल दिया था क्या देखिएगा जैसा भी दिखाऊंगा मैं है ना एज इट इज लेक्चर नंबर वन में राइट right, जब मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया था ना एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथोमेटिक जब डिफाइन किया था वो सारी चीजें एज इट इज मैं दिखाऊंगा तो आप आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो मेरे को पता है तो आप नोट्स को ओपन करके रखिएगा राइट जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉड्यूल नंबर सेवन का लेक्चर नंबर वन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है तो यहां पे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को मैं क्या बोल दिया था पता है आपके पास मैं बोल दिया था सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा बोल दिया था समझ रहे हैं और ये ऐसा क्यों है पता है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो क्या है जैसे तो मैं पढ़ा रहा हूं तो है ना ध्यान में चलते रहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह के समझ रहे इनर्शिया इनर्शिया वर्ड आते रहता है राइट जब हम वर्ड होते हैं या फिर एज ए स्टूडेंट आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास भी ऐसा हो सकता है राइट तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा डियर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि कुछ भी बोल के निकल गया और आप जिंदगी भर फंस रहे हो डाउट डाउट में आप फंस रहे ऐसा मैं बिल्कुल कभी नहीं करूंगा राइट आप लेक्चर के साथ इसलिए मैं बोलता हूँ सिक्वेंस में बने रहिएगा राइट तो कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं राइट क्योंकि मैं ऐसा कोई बात बोल के नहीं जाऊंगा कोई भी ऐसा बात बोल के नहीं जाऊंगा तो ये वाला पॉइंट अभी मैं क्लियर करता हूं आपको राइट कि भैया ये से, से, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया था एक्चुअली जिसको मैं सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया था और मे बी पॉसिबिलिटी यही रीजन है मे बी पॉसिबिलिटी यही रीजन है कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट किए थे क्या डिफरेंस होता है बिल्कुल नहीं होता है तो क्या ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग बोलते हैं एरिया इनर्शिया फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास सेकेंड मोमेंट ऑफ मास और इस सेकेंड मोमेंट ऑफ मास को बोलते हैं भैया मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है बात तो चलिए मैं दिखाता हूं मैं आपको है ना एज एट इज उसके बाद आप करेक्ट कर लीजिएगा करेक्ट कर लीजिएगा क्लियर बात है में? और साथी साथ ही साथ ही साथ भी डिस्कस करूंगा इस डाउट क्लियरिंग सेशन में है ना मैं बहुत सारी डिफरेंट बातें करूंगा जो आपके लिए बहुत ही काम की चीज होगी कंसेप्टअली आप और भी डिफरेंट सब्जेक्ट uh, में उन कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर पाएंगे उन कंसेप्ट का डिस्कस करूंगा इस डाउट क्लियरिंग सेशन में ठीक है तो जैसे मैं कहा कि सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया को एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास को मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया क्या डिफाइन करता है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मास क्या डिफाइन करता है ये भी मैं क्लियर करूंगा अभी देन मैं आऊंगा कि इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर बात है जी ओके okay. तो ना डियर आप पहले ना एक बार स्क्रीन शॉट ले लो फॉर मोर क्लियर राइट यहां से एक बार स्क्रीन शॉट ले लो पूरा ले लो स्क्रीन शॉट ठीक है ये सारी चीजें आज की लेक्चर में होने वाला है राइट right? मैं डिस्कस करने वाला हूं ओके okay? ओके okay. तो ये है आपके पास ये जो आप बोर्ड में देख रहे हो राइट ये कौन सा वाला क्लास है पता है आपके पास बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है ये आपके पास क्या है ये लेक्चर नेम है ये क्या बताइए तो ये भैया आपके पास लेक्चर नेम है राइट right? लेक्चर क्लियर है बात ओके और ये कौन सा मॉड्यूल का आपके पास मॉड्यूल सेवन अभी लोग मॉडल सेवन ही तो पढ़ रहे हैं रहे क्या मॉड्यूल सेवन क्लियर बात तो आप अपना नोट्स ओपन करके बैठिएगा और जो जो भी डाउट क्लियरिंग वाली जो बात होने वाली है राइट उसको करेक्ट कर लीजिएगा डियर राइट मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी बातें राइट अपने आपके माइंड में ऐसा बैठ ना जाए कि है ना आप डाउट हो रहे हैं और आपकी बातों को सामने वाला समझ नहीं पा रहे राइट right? तो वो डाउट देखिएगा अभी जस्ट मैंने आपको कहा बताया जस्ट अभी है ना कि वो डाउट क्या है राइट right? और बाई मिस्टेक है ना मेरे से है ना बोलते बोलते ऐसे लिखते लिखते एज अ ह्यूमन बीइंग मिस्टेक हो गया था उसको मैं करेक्ट करने वाला हूँ पहले ठीक है फिर बाकी जो भी डिफरेंट बातें मैं और करने वाला हूँ उसको कंटिन्यू करूंगा क्लियर है क्या बात ओके okay? तो चलिए राइट तो मैंने डिस्कस किया था भैया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज नथिंग बट ए एम ओ आई क्लियर है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट तो इसमें एक एक एरिया की बात किया हुआ था क्लियर बात राइट जिसमें एक एलिमेंटल एरिया के लिए मैंने तो भैया पहले एरिया मोवेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने गया राइट तो इस एलिमेंटल एरिया का अबाउट दी एक्स एक्स एक्सिस राइट मूवमेंट की बात किया फर्स्ट मूवमेंट तो ये हो जाएगा भैया जैसे कि वाई डी ए इतना तो आपको क्लियर है राइट

एलिमेंटल एरिया है अबाउट दट इज नथिंग बट वॉयस ठीक है तो इसको एक्चुअली मेरे को बोलना क्या था पता है सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया बोलना था दैट इज नथिंग बट दस एम ओ आई तो बहुत सारे स्टूडेंट है ना जो आ, आ, है ना जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं राइट वैसे तो मैं सब सब स्टूडेंट्स को है, है ना एक एवरेज स्टूडेंट ही मान के है ना हर एक चीजों को बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ाता हूँ डील करता हूँ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता कि आ, मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप तो फील करते होंगे इस बात को ओके okay? बट कई स्टूडेंट समझ गए होंगे क्लियर कि सर ने बाई मिस्टेक ऐसा वहाँ पर लिख दिया बोल दिया राइट क्योंकि क्योंकि जब मैं किया था ना एरिया मोमेंट ऑफ इनरशियन मास चेक कीजिएगा करेक्ट लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं राइट right? तो ये एक्चुअली क्या होना चाहिए था सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होना चाहिए था भैया देखो फिर से मिस्टेक करा था सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होना चाहिए था दैट इज नथिंग बट एस एम ओ एस एम सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया राइट तो दिस विल बी द रॉन्ग दिस विल बी द रोंग तो करेक्ट कीजिए आप करेक्ट कीजिए तुरंत करेक्ट कीजिए ठीक है तो यह क्या है एक्चुअली भैया हमने एलिमेंटल एरिया का राइट सेकेंड मूवमेंट की बात की है ना दूसरी बार मूवमेंट की बात की है ना तो दिस विल बी नथिंग बट वॉट दिस विल भी नथिंग बट सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ट ऑफ इनर्शिया समझ रहे हैं क्या बात को बिल्कुल समझ में आना चाहिए बिल्कुल समझ में आना चाहिए राइट right? अब यहां पर सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्सिया करके मिस्टेक किया तो यहां भी हो गया था समझ रहे हैं क्या बात को? तो भैया मूवमेंट ऑफ एरिया है क्लियर है तो सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया बात किया एक एलिमेंटल एरिया के लिए ठेक आ रही बात समझ में देन हम सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया बात किए अगेन फॉर होल एरिया के लिए अरे बस बसोन में अब तो ये जो टर्म्स था ये क्या था बताइए सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया फॉर द एलिमेंटल एरिया फॉर द एलिमेंटल एरिया राइट तो इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एलिमेंटल एरिया राइट तो इसको मैं डिनोट किया कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से इसको मैं क्या किया डिनोट किया ठीक है बात बात के लिए बात तो एम ओ आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट किसको कहा हमने सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ही क्या बताता भी है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताता है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ठीक है ये बताता है किसको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है राइट आरी बात समझ में तो यह डाउट आपका कभी नहीं होना चाहिए आप राइट आई थिंक इसी वजह से एक दो स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया

तो पूरे एरिया के लिए डिफाइन हो जाएगा भैया क्या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट और दी एक्सिस वाई स्क्वायर डी सिमिलरली सिमिलरली आप यहां पे क्या बोल सकते हो सिमिलरली सिमिलरली ठीक है आई ए अबाउट वाई बाय एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट की बात करोगे दो बार मोमेंट ले लीजिएगा राइट right? इसी एलिमेंटल एरिया uh, का राइट right? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स आएगा तो उसका दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्र डी ए क्लियर है बात बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर तो यही पिक्चर में आया जिसको हमने क्या कहा भैया बताइए तो जरा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में बोलते हैं इसको ए एम ओ वाई क्लियर और ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से आया भैया सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया की बात किए क्लियर तब ही आया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी second moment of area को हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और भी मैंने क्या कहा ठीक है है ये अब इस मोमेंट ऑफ एरिया का एक बार और मोमेंट लिए थे तो मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया सिमिलरली फिर मैं मास के लिए डिफाइन किया हुआ था दैट इज नथिंग बट दी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है तो आ, कुछ स्टूडेंट यहाँ से रिलेट करके वो करेक्ट कर पाए होंगे उसी टाइम पे ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का डाउट्स उसके माइंड में नहीं रहना चाहिए हर एक डाउट्स बिल्कुल उनके क्लियर रहने चाहिए किसी भी तरह का कोई डाउट उसके माइंड में ना हो इस बात का मैं ट्राई करता हूं इसीलिए डाउट क्लियरिंग सेशन लेके आया हूं ठीक है सिमिलरली यहां पर भी बात करते थे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एलिमेंटल मास की बात किए थे राइट तो ये वाई डी एम जस्ट वो एलिमेंटल एरिया एलिमेंटल मास में

ठीक? और इसी ऑफ मास right? तो के लिए डिफाइन किया तो अब टोटल मास के लिए डिफाइन करेंगे क्या सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास जिसको मैं बोलूंगा क्या मास मूवेंट ऑफ इनर्शिया तो इस तरह से आपके पास है ना इंटीग्रेट कर दोगे स्टम को तो ये हो जाता है भैया क्या मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास क्लियर है बात मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास अबाउट एक्सिस एक्सिस क्लियर बात तो सिमिलरली यहां पर भी आप बात कर सकते हैं सिमिलरली यहां पर भी आप बात कर सकते हैं ठीक है यहां पे बोल दू क्या सिमिलरली सिमिलरली ठीक आई एम वाई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ठीक है तो आई होप आई होप ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बोल रहे थे है ना ये डाउट उनका क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है होता है तो क्या फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है और होता है तो क्या फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास होता है देन सेकेंड मोमेंट ऑफ मास होता है

सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को हमने क्या कहा मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया क्यों क्योंकि मोमेंट ऑफ एरिया का एक बार और मोमेंट किए तो ये क्या हो गया मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया ठीक उसी तरह मोमेंट ऑफ मास दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास इसका एक बार और मोमेंट की बात किए तो मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ मास क्लियर है बात बात समझ में तो ये रहा भैया आपके पास ठीक है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा आपके पास एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर तो चलिए एक बार लो ठीक है आप बिल्कुल कमेंट किया करे डियर है ना बिल्कुल कमेंट किया करे अब क्योंकि अब क्या है यार ये यूट्यूब में हम है ना वीडियो अपलोड होता है तो भाई अब ऐसा तो नहीं है कि आ, है ना आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा हूं ऑफलाइन क्लास चल रहा है तो तुरंत तुरंत मैं जस्टिफाई कर दूं कुछ बाय मिस्टेक मेरे से कुछ हो गया तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, है ना नेक्स्ट वीडियो में ही पॉसिबल है तो कई बार हम लोग अपना खुद का वीडियो भी उतना एनालिसिस नहीं करते हैं राइट तो कई बार ऐसे समझ में आता है हम लोग को कि जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो कुछ हो गया मिस्टेक ऐसा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें यदि आप कमेंट नहीं करते ऐसा फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड मूवेंट ऑफ इनर्शिया तो शायद मैं मैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कभी बोला ही नहीं होगा सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्सिया लेक्चर में ऐसा तो ठीक है एज अ ह्यूमन बीइंग ठीक बोलते बोलते बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं तो मैं क्लियर हो गया है ना आपको क्लियर कर दिया आई होप आपको अब आप किसी भी तरह का ऐसा डाउट नहीं हो रहा होगा है ना फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड ऑफ इनर्शिया इस तरह का समझ रहे हैं होता है तो भैया ये एरिया और मास की बात होती है फर्स्ट मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया क्या बताता है अरे बात में किस चीज को डिफाइन करता है किस पैरामीटर को डिफाइन करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं डियर क्योंकि दोनों का चाहे मैं एरिया की बात करूं चाहे मास की बात करूं दोनों का जो सेकेंड मूवमेंट है वो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है एरिया की बात करें तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास की बात कर रहे हैं तो मास कनेक्ट कर, तो तो कर पाएंगे बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे कोई डिफरेंट बातें मैं नहीं करूंगा ओके तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं इसको इरेज करता हूं ठीक है जी ना अब याद कीजिए डियर है ना मॉडल सिक्स का पहला लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास क्लियर है बात समझ में तो मैं उसमें से कौन सा पार्ट को अभी मैं रिलेट करने वाला हूं सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट से रिलेट करने वाला हूं बात समझ में उसके बाद जब मैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया स्टार्ट किया हुआ था जब सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का कंसेप्ट डिस्कस किया था आपके पास क्लियर है तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के कंसेप्ट को मैं यहां पे रिलेट करने वाला हूं यहां से आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया क्या डिफाइन करता है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मास क्या डिफाइन करता है समझ पा रहे हैं क्या क्लियर है जी ओके okay? तो आइए तो जरा मैं जस्ट रिकॉल करता हूं ये देखिए यहां पे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया सेंट्रॉइड ऑफ एरिया क्लियर है इसमें हमने क्या कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि भैया सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का सेंटर को डिफाइन करते हैं centroid of area में समझ पा रहे हैं क्या ओके okay. यही तो अपन किए थे ना मतलब बेसिकली हम लोग लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है तो उस है ना तो उस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कंसेप्ट डिस्कस किए थे दैट इज नैरिग्नेस थ्योरम अरे बस समझ में ठीक है तो मैं क्या किया था याद हो गई थी आपको तो एक एरिया की बात किया और उस एरिया को मैं छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया से मिलके बना हुआ ऐसा माना हुआ था वहां पे ठीक है तो वहां पे जस्ट मैंने क्या किया हुआ था ए वन ए टू ऐसे बोला हुआ था तो यहाँ पे मैं बोल, बोल दिया डी ए वन डी ए टू ठीक नेमिंग वाइज जस्ट डिफरेंस है ना नेमिंग किया था मैं वहां पे एरिया ए वन एरिया ए टू इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया ठीक है नोटेशन वाइज बोलूं नोटेशन वाइज वहां पे वन ए टू बात किया था तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं डी ए वन डी ए टू कोई दिक्कत है क्या बताइए तो जैसा बोलना चाहो बोलिए ना यार नोटेशन ही तो है ठीक है लेकिन बोल तो रहा हूं क्या एलिमेंटल एरिया एलिमेंटल एरिया ही तो तो छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया से मिलकर बना हुआ ऐसा मैं माना हुआ था ठीक है तो सर, को मैं डिफाइन कैसे किया था बताइए है ना सेंट्रोइड ऑफ एरिया के लिए कि भैया मोमेंट मोमेंट की बात की मोमेंट राइट मोमेंट ऑफ एलिमेंटल या फिर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट अबाउट वाई वाई एक्सेस क्लियर है तो क्या था बताइए तो टोटल एरिया का मोमेंट क्लियर बात देन क्या बता, बताया था बताइए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है तो टोटल एरिया कहां पे कॉन्सेंट्रेट होगा कहाँ पे होगा बताइए तो यही कहीं पे होगा कहीं पर ठीक है तो इसका लोकेशन यदि मैं बताऊं तो मैं क्या बोलता हूं इसी को जी इसी को मैं बोलता हूं दिस दिस इज इज द द एक्स बार बार एंड वाई ऐसे बोलता था एंड दिस इज नथिंग बट ऐसे बोलता था क्या बताइए तो यहीं पे क्या है वो एरिया ऐसा बैठा हुआ है टोटल एरिया ए ठीक है जी ओके तो इसी तरह के कुछ बात किया हुआ था तो आप कनेक्ट कर पाएंगे तो उसके बाद फिर मैं बात किया था डी ए वन ठीक या फिर जस्ट रिलेट करा देता हूँ मैं आपको a1 x1 एक्स वन प्लस ए टू एक्स प्लस डिस 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 इस तरह से बात किया था क्या बिल्कुल तो जस्ट मैं यहाँ पे एलिमेंटल एरिया a1 a2 को क्या बोल रहा हूँ डी ए एंड डी ए क्लियर बात है जी डी ए एंड डी ए ठीक तो बोल देता हूँ भैया डी ए एंड डी ए क्लियर है क्या बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ठीक है तो क्या मैं इसको इस तरह से ही बोल पाऊंगा क्या ए एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए समझ में क्या एक छोटा सा एलिमेंट लिया एक ही एलिमेंट की बात कर रहा हूं और उसको मैं क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया तो ये ये क्या डिफाइन करेगा ये क्या डिफाइन करेगा भैया कि टोटल एलिमेंट से जो मिलकर बना हुआ है एरिया उसका मूवमेंट अबाउट दी बाई बाई एक्स यही डिफाइन करेगा ना सम कर देता है इंटीग्रेट करने का मतलब टोटल सम की डिफाइन कर देता है अरे वह समझ टोटल एरिया को डिफाइन कर देता है क्लियर है क्या बात बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर अगेन में यहां पर बात करू मूमेंट ऑफ एरिया मूमेंट ऑफ एरिया क्लियर है मोमेंट ऑफ यहाँ पे बोल रहा हूं मैं एरिया ना एरिया मूमेंट ऑफ एरिया राइट अबाउट दी अबाउट द एक्स एक्स axis एक्स एक्स एक्सेस क्लियर है क्या बात तो आप क्या बोलते थे यहाँ पे ए वाई बार इक्वल्स टू ए वन राइट वाई वन प्लस प्लस ए टू वाई टू प्लस इस तरह से हम आगे हम जितने भी एलिमेंट की बात किए हैं प्लस जस 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 ऐसा बोल देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर भी जस्ट मैं बात किया हूँ a1, a2 ए टू जो एलिमेंट एरिया छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया इसको मैं बोला हूँ डी ए वन एंड डी ऐसे ही बोला हूँ क्या बताइए जस्ट बोल तो रहा हूं एलिमेंटल एरिया ना जस्ट नोटेशन में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को ठीक है तो यहां पर बताइए तो जरा बाय द मैथमेटिकली ऐसा डिफाइन कर पाऊंगा क्या वाई एक ही एलिमेंट की बात किया वाई और ये हो गया डी ए क्लियर क्या बात बताइए तो क्लियर है क्या जी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ठीक है तो अब मैं बात करता हूं भैया एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखिएगा कैसा है ना अपन कनेक्ट करते हैं इसको ठीक तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं एक एरिया की बात किया दिस इज द एरिया क्लियर एंड दिस इज क्लियर रेफरेंस एक्स इज दिस इज माई रेफरेंस एक्स ठीक है दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई आगे और एक्सटेंड कर लो तो दिस इज द वाई एंड दिस इज द एक्स क्लियर बात तो इस एरिया को मार रहा हूँ इसका छोटे छोटा सा एलिमेंटल एरिया दैट इज नथिंग बट डी ए ठीक इसका ये हो गया आपके पास वाई डिस्टेंस और इसका हो गया आपके पास दिस इज एक्स डिस्टेंस दिस इज द परपेंडिकुलर दिस इज द परपेंडिकुलर क्लियर है बात तो यहां पर है ना फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की बात करूं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की बात करूं इस एरिया का इस एरिया का तो आप क्या बोलोगे बताइए तो आप बोलोगे सर मैं ना पहले अच्छा और बोल देता हूं भैया एक्सिस के अबाउट ना अबाउट वाई वाई, वाई एक्सिस बोल रहा हूं सपोज करो समझ रहे हैं अबाउट वाई बाई एक्सिस क्लियर है ओके तो यहां पर ना डीयर यहां पर मैं क्या बोलने वाला पता है आपके पास आप बोलेंगे ऐसा है ना आप बोलेंगे सर कि मैं ना एक छोटा सा एलिमेंट डी ए का मूमेंट की बात कर लूंगा एलिमेंटल एरिया डीए का मूवमेंट की बात कर लूंगा अबाउट वाई बाई एक्सिस तो मैं बोलूंगा सर इसको एक्स डी ए क्या कर दूंगा इंटीग्रेट कर दूंगा सर क्या कर दूंगा इंटीग्रेट कर दूंगा अगेन फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इक्वल्स टू क्या होगा डियर? ऐसे मैं बोलूंगा तो सर यहां पर भी तो मैं बहुत आसानी से बता पाऊंगा ना वाई डी ए एक छोटा सा एलिमेंट ऐसी बात कर लूंगा फिर उसके बाद एक्स एक्सिस के अबाउट मैं मूवमेंट की बात करूंगा तो वाई डी ए इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये टोटल एरिया का है ना फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा सर मेरे को अबाउट द एक्सिस 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 मतलब एंड दोनों के अबाउट क्लियर है तो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए कुछ ऐसा डिफाइन करने वाला है क्या इंटीग्रेट कर रहा हूं मतलब टोटल एरिया हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा टोटल ए, ये ए, 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 एलिमेंटल एरिया डी ए का क्या एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स जो है राइट तो ये डी ए टोटल एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक्स क्या होगा सर तो टोटल एरिया पे बैठा होता है सेंट्रोइड पे ऐसा हम लोग मैथमेटिकली जब डिफाइन करने जाते हैं तो इस तरह से भी तो डिफाइन करते हैं ना सेंट्रोइड ऑफ एरिया को सेंट्रोइड ऑफ एरिया है ना सेंट्रोइड पे बैठा हुआ होता है तो उस टोटल एरिया का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज नथिंग बट व्हाट एक्स बार सिमिलरली दिस विल बी नथिंग बट वाई बार ए क्लियर बात ओके okay? तो एक्चुअली एक्चुअली फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया देखो मैं क्या बोल रहा हूं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया एक्चुअली डिफाइन एक्चुअली डिफाइन डिफाइन द दॉट वॉट क्या डिफाइन कर रहा है क्या डिफाइन कर रहा है एक्स बार और वाई बार को डिफाइन कर रहा है क्या दिस इज नथिंग बट वॉट ये किसको डिफाइन कर रहा है बताइए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहा है क्या जी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स राइट तो कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड दैट इज नथिंग बट एक्स बार एंड वाई बार क्लियर और एक बार वाई बार जो कोऑर्डिनेट्स है के तो बेसिकली तो तो चाह रहे हैं कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को डिफाइन करने वाला है क्या यदि ऐसा सोच रहे हो आप तो बिल्कुल सही सोच रहे हो डियर बिल्कुल सही सोच रहे हो फर्स्ट मूवेंट ऑफ एरिया एक्चुअली डिफाइंड दी सेंट्रॉइड ऑफ एरिया क्लियर है बात अरिबाज में दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्लियर है तो यहां पर मैं फिर से यह बात रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट मूमेंट ऑफ एरिया होगा भैया फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा समझ रहे हैं क्या बात बात को मतलब फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बात नहीं होती है राइट right? इसको इस तरह हम डिफाइन नहीं करते हैं ठीक है तो मैं हर बार इस बात को रिपीट करते जा रहा हूं ठीक तो यहां पे हमने फर्स्ट मूवेंट ऑफ एरिया को बोला और सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया तो आपको पता है सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ये क्या डिफाइन करता है एक्चुअली Define, actually define the, actually define the area moment of inertia. Actually define the area moment of inertia. ये second रिजल्ट तो आपको पहले से पता है ठीक है बात क्लियर ओके आ रही बात समझ में बिल्कुल तो सर इसी तरह इसी तरह हम इसी तरह हम लोग है ना आ, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास की भी बात कर सकते हैं क्या बिल्कुल बात कर सकते हैं डी तो यहां पे मैं क्या बात करूंगा सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा सेंटर ऑफ मास क्लियर है बात तो सेंटर ऑफ मास के लिए सिमिलरली ठीक है ये ऐसा ही बात करूंगा मैं क्या बात करूंगा बताइए जस्ट मैं अब रिलेट कर दूं क्या आप समझ जाएंगे बिल्कुल समझ में आना चाहिए बिल्कुल समझ में आना चाहिए तो मैं यहाँ पे है ना जस्ट रिलेट रिलेट करके बता रहा हूं फर्स्ट मोमेंट फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास अबाउट वाई एक्सेस ऐसा यदि मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे सर एक छोटा सा है ना एक छोटा सा एलिमेंट की बात करेंगे राइट पहले आप इस तरह से है ना इस तरह से बात कर लीजिएगा बिल्कुल रिलेट करके क्लियर है आलि बात सोच में बिल्कुल तो एक छोटा सा एलिमेंट की बात करूंगा ठीक है इस तरह से राइट मैं एक ही एलिमेंट की बात कर रहा हूँ ठीक है और आज आप ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं डीएम वन डीएम टू को इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं एरिया को कनेक्ट किया ठीक है ये हुआ चीज है इसलिए मैं है ना ये सब और डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो फर्स्ट मूवेंट ऑफ मास ठीक है इसकी बात करूंगा तो बताओ मैं इसकी बात कर रहा समझ रहे हैं क्या बात को दिस इज नथिंग बट वॉट दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई ऐसे बोलूंगा ना ठीक है तो आप क्या बोलोगे सर एक छोटा सा मास का मैं वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट की बात कर लूंगा तो ये हो जाएगा सर एक्सडीए क्लियर ओके तो ये छोटे से मास का फर्स्ट मोमेंट हुआ लेकिन मेरे को तो चाहिए इस मास का ना तो क्या बोलोगे आप सर इसको मैं क्या कर लूंगा इंटीग्रेट कर लूंगा क्या कर लूंगा इंटीग्रेट कर लूंगा ठीक तो जस्ट आप रिलेट कीजिए फिर एक्स डी ए एक्स बार ए हुआ तो ये क्या हुआ बताइए तो एक्स बार डी एम जो डी एम है वो क्या हो जाएगा भैया टोटल मास को डिफाइन करेगा ठीक है सिमिलरली फर्स्ट मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मास अबाउट अबाउट एक्स एक्स एक्सिस क्लियर है आप क्या बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम क्लियर तो सर आप ये बोलना चाह रहे क्या कि ये वाई बार कैपिटल एम इस तरह से हो जाएगा यस yes! ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं डियर मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूँ राइट right? तो बताइए बताइए आप ये एक्स बार वाई बार यहाँ पे क्या बताया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ एरिया को बताया दैट इज एक्स बार वाई बार राइट तो यहां पे जो एक्स बार और ये जो वाई बार है ये क्या बता रहा है बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे सर कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज नथिंग बट एक्स बार एंड वाई बार ऐसी बता रहे हैं क्लियर बात तो ये एक्स बार वाई बार कहां से समझ में आ रहा है आपको जब आपने फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास की बात किया फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास की बात किया फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास की बात किया एक्सिस एक्स एक्सिस. तो एक्चुअली एक्चुअली फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास एक्चुअली, एक्चुअली, ओके, डिफाइन सेंटर ऑफ मास एक्चुअली डिफाइन सेंटर ऑफ मास ठीक है एंड सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास ये तो आपको अच्छे से पता है यह तो आपको अच्छे से पता सेकेंड मूमेंट ऑफ मास एक्चुअली डिफाइन वट मास मूमेंट ऑफ इनर्शिया दैट्स इट क्लियर है क्या पॉइंट क्लियर है जी ओके okay. आ रही बात समझ में राइट right? तो यहाँ पे जो DM1, वन टू जैसे मैं डिस्टेंस लेके रखा हूं क्या वाई वन एक्स वन एक्स टू वाई टू तो आप इसको इस तरह से फिल कर सकते हो डियर इस तरह से like this. समझ रहे हैं क्या बात को ठीक क्लियर है क्या बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तो मैं डायरेक्ट ये वाला बात किया जस्ट अभी मास के लिए राइट एरिया ए को एम से रिप्लेस कर दिया और है ना जी एलिमेंटल एरिया डी ए को एलिमेंटल मास डी एम से रिप्लेस कर दिया ऐसा आप कनेक्ट कर सकते इतना तो आना चाहिए आपको ठीक है जी बात सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास होगा बट फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा और न ही सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्लियर बात मतलब ये दोनों की बात नहीं होती भैया राइट ऐसा हम डिफाइन नहीं करते थे तो ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ठीक है अच्छा तो आप कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोचेंगे सर सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए भी ऐसा हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हो जी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोग क्या बात करते वहां पर भी तो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं ना

मूवमेंट ऑफ वेट डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट एक्चुअली एक्चुअली डिफाइन देंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर है क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तो सर सेकेंड मोमेंट ऑफ वेट भी होगा क्या बिल्कुल होगा डियर लेकिन सेकेंड मूवमेंट ऑफ वेट को ऐसा हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं राइट लेकिन आप चाहो तो आप थर्ड मूवमेंट ऑफ वेट बात कर लो थर्ड मूवमेंट ऑफ मास बात कर लो थर्ड मूवेंट ऑफ एरिया बात कर लो ठीक है ऐसा है ना बात कर सकते तो कोई दिक्कत है क्या बताओ मोमेंट ही तो बात करते हैं लेकिन लेकिन जो कनेक्टेड जो थिंग्स है राइट यही है क्लियर बात फर्स्ट मोमेंट ऑफ वेट एक्चुअली डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये 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 जो जो ये जो जो है है ना रिजल्ट राइट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्लियर बात आपके थियोरिटिकल जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो हमेशा याद रखिएगा इन बातों को क्लियर है जी ओके okay. अब यदि मैं यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया देखो फिर बोलते बोलते ऐसा हो जा रहा है देखो ना इसलिए बोल रहा हूँ जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता है एक्चुअली इसका यूज कहाँ पे होता है एक्चुअली इसका यूज कहाँ पे होता है ये बात कर रहे हैं राइट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का जो यूज होगा राइट right? यहाँ पे नोट लिख देता हूँ राइट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फर्स्ट मिनट ऑफ एरिया राइट इज यूज इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक नेम मैं बता रहा हूं आपको कहा आप यूज करते हैं हम लोग शियर स्ट्रेसिस इन बीम शियर स्ट्रेसिस स्ट्रेसिस इन बीम्स क्लियर बात है तो ये एक नोट पॉइंट इसको आप फील कर पाएंगे जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सियर स्ट्रेसेस इन बीम्स पढ़ेंगे तो समझ पा रहे हैं क्या तो दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्लियर है आ रही बात समझ में जहां पे आप सियर स्ट्रेस को डिफाइन करते हो भैया कैसे फार्मूला से मैं डिनोट बता देता हूं आपको ये होता है भैया शियर स्ट्रेस राइट यहाँ पे एफ एफ ए y बार राइट right? अब बात करते हो आई एन ए बी इस तरह से राइट right? तो ये जो टर्म्स एक्चुअली ये जो टर्म्स है एक्चुअली क्या है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ही तो है जूम कर देना ना यहां पे जूम कर देना जूम कर देना समझ रहे हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ही तो है डी आर ये क्लियर बात और यहाँ पे होता है ये टाउ वाई वाई इस तरह से तो आप पढ़ेंगे तो इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे बस मेरा काम था यहाँ पे कि आपको ये बताना कि भैया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो होगा राइट ये क्या है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया तो है ये क्लियर है यही तो बात की ना जस्ट मैं वाई बार है ये आप से, से, सेरी इन बीम्स में है ना इसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं चलिए स्क्रीन शॉर्ट लीजिए तो ये था डाउट क्लियरिंग सेशन राइट right? अब इस डाउट क्लियरिंग सेशन में राइट right? आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और जो भी डाउट्स रहा होगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे करके जो डाउट रहा होगा वो अब क्लियर हो गया होगा कि भैया ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ठीक है और ये भी पूरा क्लियर हो गया कि मोमेंट ऑफ एरिया में फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या डिफाइन करता है मोमेंट ऑफ मास में फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास और सेकेंड मोमेंट ऑफ मास क्या डिफाइन करता है पूरा क्लियर बिल्कुल क्लियर ओके तो चलिए अब मैं बात करता हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस ठीक ओके डियर तो बात करते हैं हम लोग राइट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर बात ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल एज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने से पहले भैया सबसे पहले तो हम लोग ये इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं this i stands for inertia inertia right and the meaning of inertia and the meaning of inertia that will that will be the that will be the resistance resistance towards resistance towards any change any change resistance towards एनी चेंज रेजिस्टेंस टूवर्ड्स एनी चेंज दर तो इनर्सिया body के लिए भी बॉडी का हो सकता है इंसान का हो सकता है right राइट किसी, right? कि किसी में आप चाहते हो कुछ change करना clear बात suppose कोई कोई ऐसा स्टूडेंट है, है ना कोई ऐसा स्टूडेंट जो <coughs> है ना काफी पढ़ाकू है बहुत ज्यादा है ना पढ़ने वाला है राइट तो आप चाहते हो उसमें कुछ चेंज लाना कि और ऐसा चेंज कि जस्ट अपोजिट जस्ट अपोजिट क्लियर बात कि कि तू भाई मत पढ़ तू मत पढ़ तो इसका मतलब क्या होगा वो तो पढ़ाकू है ना पढ़ना ही चाहेगा ना लेकिन आप चाहते हो कि वो ना पढ़े क्लियर बात है अरे बात समझ में या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ने में बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट ना हो लेकिन लेकिन आप चाहते हो कि वो पढ़ाई करे लेकिन तो पढ़ाई करना नहीं चाहता ना अरे बात समझ में लेकिन आप कुछ चेंज लाना चाहते हो कि वो पढ़ाई करे क्लियर बात तो पढ़ाकू स्टूडेंट को ना पढ़ो ऐसा करके आप चाहते हो तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो उस पढ़ाकू स्टूडेंट का वो रेजिस्टेंस क्या होगा उसके लिए इनर्शिया होगा समझ रहे हैं क्या बात को जो ना पढ़ ना पढ़ना चाह रहा है स्टूडेंट उसको आप चाहते हो कि वो पढ़ाई करे ऐसा कुछ चेंज लाना चाहते हो आप ठीक है लेकिन वो फिर से रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि मैं नहीं पढ़ना चाहता तो वो इस उस स्टूडेंट का क्या हो जाएगा इनर्शिया होगा क्लियर बात कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी रेस्ट में है कोई बॉडी रेस्ट में है आप चाहते हो कि उसके रेस्ट स्टेट को चेंज करना कि भाई मोशन में वो आ जाए वो बॉडी ठीक है तो उस टाइम पे वो जो बॉडी है अगेन रेजिस्टेंस ऑफर करेगा क्लियर बात तो वो जो रेजिस्टेंस है राइट उस बॉडी का क्या कहलाएगा इनर्शिया कहलाएगा आ रही बात समझ में क्या समझ में आ रहा है क्या बताइए तो क्लियर है तो इनर्शिया एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर एनी बॉडी क्लियर बात है एंड इट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज कोई भी चेंज करने चाहते हो आप राइट उसके टुवर्ड्स जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कोई भी बॉडी की बात करी जाए है ना कोई भी है ना कोई भी चीज की बात कर लीजिए राइट जैसा मैं भी जस्ट बताया आपको अपने डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीजों में ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं इनर्शिया को तो इनर्शिया का मतलब समझ में आ गया क्लियर है बात तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा समझ रहे जैसे मैं बात किया इनर्शिया का एक सिग्निफिकेंस तो जैसे मैं सिग्निफिकेंस बोल सकता हूँ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स तो एनी चेंज क्लियर बात है बिल्कुल तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस जानने के लिए भैया हमको तो पहले यह बात करना होगा कि हम एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बात कर रहे हैं मासमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बात कर रहे हैं क्लियर है जी ओके okay? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मासमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें राइट right? तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होने वाला है डियर बड़ा केयरफुली राइट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स टुवर्ड्स रोनल मोशन रोटेशनल मोशन रेजिस्टेंस टुवॉर्ड्स रोटेशनल मोशन दिस इज द फिजिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया राइट बट में एरिया मूवमेंट एरिया मूवमेंट के लिए क्लियर है जिसको हम लोग सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ एरिया ये बोलते हैं ठीक है जी और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेकेंड मोमेंट ऑफ मास और मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ मास है? तो एरिया इनर्शिया के लिए फिजिकल की बात करें ना तो यहां पे ना तो पे पे करेगा कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन आप कहां पे देख रहे हो? क्लियर है बात अरे बात में उसके अकॉर्डिंग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं क्लियर बात ओके तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में है ना हम लोग यदि एप्लीकेशन बात करते हैं बेंडिंग बेंडिंग राइट बेंडिंग में बात करते हैं हम लोग एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर बात हम लोग बात करते हैं टॉर्शन टॉर्शन में ठीक है और अगेन से ट्विस्टिंग क्लियर कहां पे बात करते हैं इन सारी बातों को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है इसलिए बोलता हूं डियर है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार पढ़ लिए उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राइट ये बहुत ही कनेक्टेड सब्जेक्ट है इसलिए ना मैं बड़ा आराम से पढ़ाता हूं हर एक चीजों को कनेक्ट करता हूं मैं आपसे ठीक है ताकि आप उन सब्जेक्ट को जब आप पढ़ने जाएंगे जहां जहां पे इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट का एप्लीकेशन है उसको बड़ा इजिली समझ पाओ अंडरस्टैंड कर पाओ ठीक है तो ये रहा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट ठीक जिसमें आप लोग बात करते हो भैया बेंडिंग की बात करते हो आप बात करते हो टॉर्शन की बात करते हो क्लियर तो एज पर राइट जैसे हम लोग यहाँ पे क्या आ, है ना क्या क्या बात करते हैं यहां पे बेंडिंग में हम लोग हम लोग बात करते हैं भैया बेंडिंग इक्वेशन की क्या बात करते हैं बताइए तो यहां पे बात करते हैं बेंडिंग इक्वेशन ठीक है तो ये होता है आपके पास एम अपॉन आई राइट ई अपॉन आर सिग्मा पी अपॉन वाई इस तरह से दिस इज नथिंग बट बॉट बेंडिंग इक्वेशन ठीक है कनेक्ट करते जाइएगा जिस दिन आप सॉम पढ़ोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप इन बातों को फील कर पाओगे ठीक है यहां पे आप बात करते हो टॉर्शन इक्वेशन टॉर्शन इक्वेशन क्लियर बात एंड टॉर्सन इक्वेशन में है ना आप टॉर की बात करते हो और यहाँ पे आप बात करते हो आई पी राइट इक्वल्स टू ये होता है आपके पास आ, ये होता है भैया जी थीटा बाई एल जी थीटा बाई एल, एल जस्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे राइट right? और ये टाउ अपॉन आर क्लियर है जी आ रही बात समझ में तो ये रहा भैया आपके पास टॉर्शन इक्वेशन और ये रहा आपके पास बेंडिंग इक्वेशन क्लियर है क्या पॉइंट बात समझ में राइट तो यहां पे ये जो आई होता है डियर ये जो आई होता है आई ये क्या होता है पता है आपके पास ये होता है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया राइट अबाउट विच एक्सिस तो यहां पर एक्चुअली ये न्यूट्रल एक्सिस की बात होती है तो मैं ये सब अब मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा इंजीनियरिंग माइक्रोस में मेरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि ये क्या भैया एरिया मोन्ट ऑफ इनर्जिया बस इतनी सी बात ठीक है ओके okay. और यहाँ पे ये जो आई पी होता है राइट दिस इज नथिंग बट वॉट पोलार पोलार मोमेंट ऑफ इनर्जिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको भी हम लोग इसके लिए डिफाइन करते हैं एरिया के लिए तो डिफाइन करते हैं तो मच बेटर मच बेटर एरिया एरिया मोमेंट मोमेंट ऑफ ऑफ इनर्शिया इनर्शिया तो यहां पर भी हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो बात करते हैं जी क्लियर है क्या बात अली बात समझ में राइट right? तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं इनकेस ऑफ बैंडिंग इनकेस ऑफ बैंडिंग तो फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस यहां पे होगा भैया टुवर्ड्स टुवॉर्ड्स रेजिस्टेंस क्या बोलूंगा यहां पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दिख रहा है ना ये रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग क्लियर है बात ओके एंड यहाँ पे ये इनर्शिया जिसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं ये आपके पास है ना आ, या फिर मैं बोलूँ इसका जो physical significance होगा क्या होगा बताइए तो टुवर्ड्स ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ट्विस्टिंग क्लियर बात है जी आ रही बात समझ में ओके okay? तो जिस तरह मैंने बात किया यहां पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर तो यहां पे रेजिस्टेंस टू तो वर्ड रोटेशनल मोशन हुआ क्लियर है तो रेजिस्टेंस टू तो वर्ड रोटेशनल मोशन ज्यादा होगा कब कब जब जब आई एम दैट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वैल्यू ज्यादा होगा समझ रहे हैं क्या बात को क्लियर है कहने का मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज करेगा राइट right? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी को उस बॉडी को रोटेट कराना उस बॉडी को रोटेट कराना उसमें उतना ही ज्यादा हमको एफर्ट लगने वाले हैं राइट right? उतना ही ज्यादा हमको तकलीफ होने वाला है राइट right? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास मूवेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है ठीक उसी तरह सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में यदि मैं बात करूं बैंडिंग की केस में बैंडिंग का मतलब क्या होता है यह बैंडिंग का मतलब यह होता है सपोज करो यह आपके पास कोई बीम है यह आपके पास क्या है बीम है राइट right? इधर से आपने Uh, क्या किया सपोज सपोज कर आपने मूवमेंट मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं दोनों एंड से क्लियर है तो ये जो बीम है राइट right? ये कुछ इस तरह के शेप में बेंड होगा क्या बताइए इस तरह के शेप गेन करेगा कि नहीं करेगा बताओ मेरे को तो ये क्या कर रहे हैं इसको बेंड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बेंड कर दिस इज द बेंडिंग क्लियर ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है भैया ट्विस्टिंग का मतलब होता है दिस इज द बेंडिंग दिस इज देंडिंग ठीक है एंड ट्विस्टिंग का मतलब ये होगा कि मैं ना मैं इसको क्या करने वाला हूं सपोज करो ये, ये ये भी कोई शार्फ्ट है सपोज ये क्या है शार्प्ट सब यहां पर बोल दिया मैं क्या बीम कनेक्ट करते जाइएगा यह हो गया शार्प्ट ठीक है तो शार्फ्ट क्या होगा बताइए तो इसको मैं ट्विस्ट करने वाला हूँ है ना हम लोग टॉर्सन में शाफ्ट की ही बात करते हैं ट्विस्ट कर ट्विस्ट का मतलब क्या होगा पता है आपके पास यहां पे ना मैं इसको ऐसा बेंड नहीं कर रहा हूं क्या कर रहा हूं पता है ट्विस्ट कर रहा हूं मरोड़ रहा हूं इसको समझ रहे हैं क्या बात को क्लियर है सपोज करो ये है मेरे पास शाफ्ट ठीक है ये शाफ्ट है ठीक मैं इसको सपोज ऐसा आ,

एंड एंडमेंट ऑफियाज नथिंग बट वॉट पोल एरिया मूमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है इसकी वैल्यू जितना ज्यादा हुआ इसका मतलब टुअर्ड्स दस ऑफर करेगा जो सॉफ्ट है जो बॉडी है क्लियर बात है उसका मतलब ये भी हुआ कि मेरे को ज्यादा तकलीफ होने वाला है अरेवासौ में जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगा ठीक उसी तरह ये बैंडिंग की केस में एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है क्लियर बात है तो इस बात की इंफॉर्मेशन देगी कि बेंडिंग के टूवर्ड्स जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो जो बॉडी है 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 ना वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है। मतलब मेरे को बेंड करने में ज्यादा तकलीफ मिलने वाला है ज्यादा तकलीफ, तकलीफ मिलने वाला है क्लियर है बात तो चलिए थोड़ा सा और इसको फील करते हैं ठीक है देखिए डियर फिजिकल सिग्निफिकेंस अब आप लोग आ, है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सब? कमेंट्स किए थे तो मैं जरूर डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में ऐसा कभी है? अभी तक तो एग्जाम में पूछा नहीं गया है अरे बस समझ में ठीक है तो जस्ट मैं आपको कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं राइट इस तरह से होता है बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस राइट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो देखिए तो जरा यहाँ पे है ना एक डेली लाइफ का मैं एग्जांपल लेता हूँ मैं राइट तो देखिए ये भैया आपके पास ठीक है ये मैं बना रहा हूं क्या बड़ा केयरफुली राइट right? ये है ठीक है बताता हूं मैं क्या चीज है ये है ना ठीक कोई डिफरेंट चीज नहीं बना रहा हूं मैं आप बिल्कुल फील कर पाएंगे इसको ये क्या चीज बना रहा हूं मैं ओके यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं। पहले तो भैया बेंडिंग के लिए क्या बात कर लेता हूँ बेंडिंग ठीक ये बेंडिंग की कैस बना रहा हूं मैं ठीक है बात क्लियर ओके और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं मैं क्या बात कर रहा हूं बताइए एरिया मोवेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है ये इधर इधर वाला बात कर रहा हूं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल सिग्निफिकेंस ठीक है तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं तो पहले ये क्लियर कर दूं भैया कि ये जो एरिया होता है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बात करते हैं हम बात करते हैं ऑलवेज रिमेंबर इधर आइए प्लेन एरिया प्लेन एरिया के लिए हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं भैया ऑलवेज प्लेन एरिया के ठीक है या फिर आप इसी को कह सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जो एरिया की बात करते हैं जिसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्लेन एरिया होता है भैया जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक है तो यहां पर जो भी मैं अभी कोई बॉडी बनाया हूं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोलूंगा तो आप क्या करोगे इसको ऐसा कट करोगे क्लियर है बात ऐसा कट करोगे ठीक है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह से दिखेगा आपको लाइक दिस ऐसे ही कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताइए दिखेगा क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया जी कट करूंगा फिर ऐसे दिखाऊंगा आपको तो ठीक है तो इसमें मैं बात करता हूं भैया ये है आपके पास एक्स एक्सिस ठीक है और ये है आपके पास वाई एक्सिस क्लियर है बात किसके लिए बात कर रहा हूं मैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए क्लियर है जी

थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ इसको ठीक इसको मैं इधर दिखाऊंगा क्रॉस सेक्शन एरिया को तो भैया ये कुछ इस तरह से दिखेगा ओके तो दिस इज द एक्स एक्स एंड दिस इज द वाई वाई मच बेटर ये रेक्टेंगल है तो मैं इसको कौन सा एक्सिस बोल रहा हूँ पता है आपके पास इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स सी एक्स सी इसको बोल रहा हूँ वाई सी इसको बोल रहा हूँ वाई सी फील करिएगा ठीक है फील करते जाइएगा वाई सी ठीक तो ये हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब यहाँ कहीं है। तो आपको पता है भी आपको पता है ये X C X C y C y C. क्या होता है क्या होता है है ना ये आपको पता है क्लियर है बात ये आपको पता है क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है सपोज करो दिस इज द विथ बी दिस इज द डेप्थ डी क्लियर है यहां भी बोल देता हूं दिस इज दियर विस इज द डेप्थ डी ठीक है हेयर टू हेयर डेप्थ डी क्लियर है क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तो बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व और यह आपके पास डी बी क्यूब बाई ट्वेल्व क्लियर है जी तो मैं यदि आपसे पूछू मैं यदि आपसे पूछूं कि आई ए एक्स सी सी क्लियर है आई ए एक्स सी और आई ए वाई सी वाई सी दोनों में बिग कौन है ग्रेटर कौन है तो आप क्या बोलोगे जिस तरह अभी ये दिख पा रहे हो आप क्लियर है इसका जो विड्थ है भैया इसका जो विड्थ है विड्थ Is less than depth. Clear है नहीं बताइए तो विज लेस देर है तो इन दोनों में आप देखिए जरा इन दोनों में आप बिल्कुल देखिए तो ठीक है डी ग्रेटर है तो यहाँ पे पावर इसका थ्री है यहाँ पे बी देखोगे लेस है इसका पावर थ्री तो ऑब्वियस है डियर ऑब्वियस है यहाँ पे ये जो ई एक्सी एक्सी है ये क्या होगा पता है आपके पास ये क्या होगा ग्रेटर होगा ये क्या होगा ग्रेटर होगा भैया ग्रेटर होगा अब बताइए मेरे को अब बताइए एरिया मूवमेंट ऑफ एनर्शिया की वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो इस बात की इंफॉर्मेशन देगी इस बात की इंफॉर्मेशन देगी इनकेस ऑफ बेंडिंग राइट तो उस एक्सीस के अबाउट बॉडी को बेंड करना उस एक्सिस के अबाउट बॉडी को बेंड करना उतना ही मेरे को एफर्ट देना पड़ेगा उतना ही मेरे को ज्यादा तकलीफ होने वाला है क्लियर है, है तो किस एक्सिस अबाउट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है यहां पे ज्यादा है भैया ज्यादा है तो जब आप पार्लेजी को है ना ब्रेक करते हो जब आप है ना उसको खाने के लिए आप उसको क्या करते हो ब्रेक करके खाते हो तो किस एक्सिस के अबाउट बेसिकली आप उसको बेंड करते हो किस एक्सिस के या फिर मैं कहूं आप कैसा बेंड करते हैं राइट तो आप क्या बोलोगे पता है आप क्या बोलोगे राइट आ, कुछ है कि हाँ यहां पे आ जाइए ये देखिए सपोज दिस मोबाइल राइट इज सपोज पार्लेजी ठीक है ये क्या है पार्ले जी तो आप बताइए मेरे को है ना इसको आप ऐसा बेंड करते हो कि ऐसा बेंड करते हो समझ रहे हैं क्या बात को तो आप क्या बोलोगे सर मैं इसको ना ऐसा बेंड करता हूं ऐसा 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 समझ रहे हैं और इस इस तरह से यदि आप बेंड कर रहे हो तो बताइए ये किस एक्सिस के अबाउट बेंड कर रहे हो आप राइट वाई एक्सिस के अबाउट बेंड कर नहीं बताओ ये ये इस तरह से इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या ऐसा बेंड करते हो ऐसा राइट तो ये के बेंड करते हो ना तो के ना यहाँ पे area moment of inertia कम है भैया, इसलिए आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है बस में, आप इसको के करते हो इस तरह से तोड़ते हो इसको ब्रेक करते हो एक्स एक्सिस अबाउट अब ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस देखो तो एक्स एक्सिस बात कर रहा हूं तो आप, आप इसको ऐसा तो बेंड नहीं करते हो समझ पा रहे क्या आ, किस तरह से बात कर रहा हूं मैं इस तरह से इस तरह से समझ रहे हैं इस तरह से ऐसे बेंड तो नहीं करते हो क्लियर है क्यों क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट एक्सी एक्सी एक्सिस के अबाउट इसका जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है मेरे को ज्यादा तकलीफ होता है जब मैं इसको ऐसा बेंड करता हूं ऐसा लाइक like दिस क्लियर है बात तो यहाँ पे एक्सी एक्सिस एक्सी जैसा एक्चुअली बाहर ऐसा दिखेगा आपको जब ये पाले जी वो मैं अभी ऐसा दिखाया हूं

इनर्शिया ट्विस्टिंग केस में बात करते हैं तो ट्विस्टिंग की केस में क्लियर है तो यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं राइट right? यहां पे मैं इसको कर देता हूं. ठीक है तो ट्विस्टिंग की केस में बात करेंगे भैया तो ट्विस्टिंग में क्या करते हैं एक्चुअली हम लोग ओके okay? ट्विस्टिंग में सपोज करो मैं यहां पे बनाता हूं क्या शाफ्ट बना लेता हूं दिस इज नथिंग बट पॉट शार्प्ट ठीक है ओके okay. ये शार्प्ट को मैं यहां पे लिखता हूं ये हो गया आपके पास शार्फ्ट ठीक और ये आपके पास ट्विस्टिंग क्लियर है जी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए राइट right? तो यहां पर इसका आप फिर से बात करोगे प्लेन एरिया या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो एरिया के लिए डिफाइन करते हैं तो इसको कट करो कट करो तो ये दिखेगा तो ये हो गया आपके पास सी एक्सिस ठीक है जी और ये हो गया आपके पास वाई सी वाई सी वाई सी एक्सिस क्लियर है ये राइट हो जाएगा अब इसको मैं अलग से यहां पे दिखाऊं राइट शार्ट को यहाँ पे ऐसा है ना ये है क्रॉस सेक्शन एरिया इसको इधर से दिखाऊं फ्रंट में राइट तो ये यहाँ पे आप फील कर सकते हो फील कर सकते हो ये कैसा भी आपको पता है है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये ऐसा है एक्सी मैं यदि शार्ट को ऐसा दिखाता हूँ तो ये ऐसा एक्सी एक्सिस अब इसको मैं इस तरह से कर दूंगा तो एक्सी इस तरह से दिखेगा आपको लाइक दिस दिस इज द दी दिस इज द वाई सी बस समझ रहे हैं क्या बात दिस इज सेंट्रॉइड राइट तो आपको पता होना चाहिए भैया आई एक्स सी एक्स सी क्लियर बात या फिर आप बोलो आई वाई सी वाई सी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट सेम होता है क्या ओके एंड दिस विल बी दिस विल बी नथिंग बट दी पाई बाय 64 फोर डी की पावर फोर वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट डायमीटर ऑफ क्लियर है क्या पॉइंट hmm. बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर है समझ रहे हैं क्या जी बिल्कुल समझ रहे हैं बिल्कुल समझ रहे हैं लेकिन ट्विस्टिंग के केस में हम लोग पोलार, पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं भैया पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की और पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तो बताइए ये भी बात मैंने आपको समझा के रखा हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं भैया क्या आई जेड जेड ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पे C जेड सी बात करने वाला हूं मैं ठीक इक्वल्स टू ये होता है आपके पास आई एक्स सी एक्स सी प्लस आई वाई सी वाई सी क्लियर बात तो आई पी इक्वल टू इन दोनों को आ, है ना एक कर दोगे पाई बाई सिक्सटी फोर डी की पावर फोर प्लस पाई बाई सिक्सटी फोर डी की पावर फोर तो आई पी इक्वल टू आई पी इक्वल टू वॉट टू टाइम्स हो जाएगा तो पाई बाई थर्टी टू डी की पावर फोर क्लियर है जी बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए समझ रहे हैं क्या बात को जी ठीक है दिस आई पी इज नथिंग बट व्हाट दिस आईपी क्लियर है जी ओके okay. तो इसकी वैल्यू अच्छा अब हम लोग ट्विस्ट ट्विस्ट कैसे करने वाले ट्विस्ट कैसे करने वाले हैं ये बात तो समझते हैं पहले

क्लियर है जी ओके okay. तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ भैया इसके क्रॉस सेक्शन में जाके देखना चाहता हूँ कैसा दिखेगा तो ये जर्सी जर्सी एक्सिस है क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसा देखूंगा तो ये प्लेन के पर पेंटिकुलर होगा ऐसा इधर आ जाएगा ये समझ रहे हैं क्या बात तो इस तरह से जर्सी जर्सी तभी तो इसको हम लोग ऐसे पर पेंडिकुलर एक्सिस के से बात करते हैं जी आ रही बात समझ में तो ट्विस्ट किस एक्सिस के अबाउट होगा ट्विस्ट किस एक्सिस के अबाउट होगा हमेशा लॉन्गिट्यूनल एक्सिस के अबाउट ही तो ट्विस्ट करोगे ना आप किस एक्सिस के अबाउट लॉन्गिट्यूडन एक्सिस के अबाउट लॉन्गिट्यल एक्सिस के अबाउट तो लॉन्गिट्यूडनल है ना यहां पे ये जो होता है क्या आ, ट्विस्टिंग मूवमेंट बोल सॉरी इसको क्या बोलते हैं जी पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं राइट पोलार एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है जी आ रही बात समझ में तो वो किस एक्सिस के बाउट आप बात कर रहे करोगे हमेशा ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बाउट तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या फिर आप बोलिए सेंट्रोइडल जेड सी जेड सी एक्सिस के अबाउट ये जो आप बात किए हो आईपी की वैल्यू ठीक है ये जितना ज्यादा होगा ये जितना ज्यादा होगा ठीक है वो इस बात की इंफॉर्मेशन देगी वो इस बात की इंफॉर्मेशन देगी कि कि इस साफ्ट को है ना इस ज्यादा तकलीफ होने वाला है, मेरे को लगाने, आ, है ना लगाना पड़ेगा क्योंकि उतना ही ज्यादा क्या करने वाला है, रेजिस्टेंस करने वाला है, रेजिस्टेंस करने वाला है. क्लियर बात या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ क्या ये भी कह सकता हूँ क्या है ना मैं क्रॉस एरिया पे डिफाइन करता हूँ ना एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो यहाँ पे जैसे इसके जो एंड रिजल्ट है वो टर्म्स में भारी भारी में तो जितना बड़ा डायमीटर होगा या फिर मैं कहूं जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा चाहे मैं बात करूं ट्विस्टिंग की केस में चाहे मैं बात करूं बेंडिंग की केस में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उतना ही बड़ा होगा उतना ही ज्यादा होगा तो मेरे को उतना ही ज्यादा एफर्ट लगाना होगा यदि मैं बेंडिंग करने जाऊंगा यदि मैं ट्विस्टिंग करने जाऊंगा समझ पा रहे हैं क्या क्योंकि क्योंकि उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा ऑफर करने वाला है जो भी बॉडी है वो जो भी बॉडी है वो क्लियर तो चलिए फिर एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा फिर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्जेर का ठीक है तो ये जस्ट आपके फीलिंग वाला पार्ट है डियर है ना फिजिकल सिग्निफिकेंस एग्जाम में तो अभी तक ऐसा आया नहीं है फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर है तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करता हूँ okay, तो जैसा कि मैंने कहा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास मासमेंट ऑफ इनर्शिया राइट दैट विल बी नथिंग बट द रेजिस्टेंस टूअर्ड रोटेशनल मोशन क्लियर बात है बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर राइट right? तो जस्ट अब वहां से बात कीजिए तो आप एरिया एरियामेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने बात किया क्लियर है तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जितना ज्यादा होना इसका मतलब यह हुआ कि ऑफर ज्यादा करेगा बेंड करने अच्छा बेंडिंग की बात करोगे या फिर ट्विस्टिंग की बात करोगे तो जितना ज्यादा ऑफर करेगा इसका कहने का मतलब उस बॉडी को बेंड करने में ट्विस्ट करने में मेरे को उतना ज्यादा एफर्ट लगना लगेगा ठीक है उतना ज्यादा मेरे को तकलीफ होगा इस बात की इंफॉर्मेशन देता है दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है और क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या राइट जस्ट और मैं थोड़ा सा बात करता हूं देखिएगा तब समझ पाएंगे आप इज मोमेंट ऑफ ओके इसके पहले मैं बात करता हूं क्या एरिया एंड दिस एरिया इज नथिंग बट व्हाट दिस एरिया इज नथिंग बट व्हाट प्लेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं प्लेन ए प्लेन uh, या फिर क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं भैया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो एरिया जितना एरिया जितना बड़ा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया राइट उतना ही उतना ही ज्यादा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बैंडिंग और ट्विस्टिंग बताइए तो ये भी क्या होगा बढ़ेगा ना बढ़ेगा क्लियर बात है और ऐसे यदि बढ़ा तो एफर्ट भी मेरे को क्या करना पड़ेगा ज्यादा लगाना पड़ेगा दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज नथिंग बट वॉट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर तो यहां पर भी मैं ऐसा बात कर सकता हूं जी यहां पर भी मैं ऐसा बात कर सकता हूँ क्या बोलूंगा मास जितना बड़ा होगा तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही बड़ा होगा अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना बड़ा हुआ राइट इसका मतलब यह हुआ कि भैया कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रोटेशनल रोटेशन या रोटेशनल मोशन क्या होगा बताइए तो रेजिस्टेंस टू और रोटेशनल मोशन ज्यादा होगा कहने का मतलब कहने का मतलब उस बॉडी को उस मास को क्लियर है या फिर उस एम मास के बॉडी को ऐसा बोलिए रोटेट कराने में मेरे को ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ेगा ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ेगा क्लियर है बात समझ में, ओके जी फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है ना सपोज करो सपोज करो ये ये आपके पास क्या है एक एम मास बॉडी है क्लियर है जी एम मास का कोई ऐसा स्फेरिकल बॉडी चलो मान लेता हूं मैं ठीक है और आ, ये यहाँ पे ऐसा हिंज लगा हुआ है ठीक तो इसको आपको और एक्सिस इसको क्या करना है रोटेट कराना है क्या कराना है पता है रोटेट कराना है राइट फील करते जाइएगा दिस इज दैट एक्सिस अबाउट विच अबाउट विच है ना वी हैव टू रोटेट दिस स्फेरिकल शेप बॉडी क्लियर बात रोटेट कराना है इसको ठीक है एक इंच लगा हुआ है इस एक्सिस के बात और इसका मास सपोज है क्या एम वन ठीक है और मैं बोलता हूँ अगेन एक एक बॉडी की बात करता हूँ राइट फील करते जाइएगा ये है भैया आपके पास फिर से एक हिंज बना हिंज लगा दिया मैं यहाँ पे हिंज इंजॉइन यहाँ पे इस एक्सिस के बॉडी क्या कराना है बताइए तो रोटेट कराना है जिस तरह यहाँ पे मेरे को रोटेट कराना था क्लियर है बात ओके और इसका मास है बताइए हियर एम वन या फिर मैं बोलू एम टू इज ग्रेटर देन एम वन एम टू इज ग्रेटर देन एम वन तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे आई एम टू ज ग्रेटर देन आई एम वन क्लियर बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ठीक है और ऐसा यदि है ऐसा यदि है तो रजिस्टेंस तो, रजिस्टेंस है ना रजिस्टेंस जो ऑफर करेगा किसके लिए रोटेशन मोशन के लिए रजिस्टेंस जो ऑफर होगा रजिस्टेंस ऑफर जो होगा रोटेशनल मोशन के लिए ठीक वो वन के लिए क्या होगा बताइए तो राइट right? या फिर मैं बोलूं टू के लिए क्या होगा जो दूसरा बॉडी लिया हूं इसके लिए ज्यादा होगा भैया एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस है ना टुवर्ड्स रोटेशन मोशन दैट इज नथिंग बट वॉट वन क्लियर है इससे क्या होगा ये कम होगा दैट मीन्स टू के लिए ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसका मतलब यह भी हुआ क्या डियर इसका मतलब यह भी हुआ क्या सर क्या कि रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा भैया बॉडी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा है ना अगेंस्ट रोटेशन तो मेरे को मेरे को एफर्ट भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा डियर क्लियर है क्या बात तो किसमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा बताइए तो एफर्ट लगाना पड़ेगा मेरे को पड़े गा गा तो किस में बताइए तो टू में एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू वन मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा मेरे को तकलीफ ज्यादा होगा डियर क्लियर है तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास क्लियर है तो यहां पर मेरे को यह भी समझ में आ रहा है कि, कि ये आई एम की जो वैल्यू होगा भैया ये मास पे तो डिपेंड करेगा मास पे तो डिपेंड करेगा क्लियर बात है आ रही बात क्या समझ में ओके okay? ना अब यदि मैं बात करूं अब यदि मैं बात करूं ओके okay? इसके अलावा और और भी कुछ पैरामीटर हो सकते हैं क्या इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर हो सकते हैं क्या मास मासमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करे इसकी वैल्यू डिपेंड करे क्या राइट right? तो देखिए जरा मैं बात किया ये है आपके पास फर्स्ट वे एक सेकेंड वे बात करता हूं मैं राइट right. आगे आप पढ़ोगे क्या पॉइंट मास पढ़ोगे आप ठीक मैं पढ़ाऊंगा आपको तो ये होता है आपके पास क्या ये कोई भी क्या है मास है भैया पॉइंट मास क्या है ये पॉइंट मास ठीक है क्लियर बात और इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अब सपोज दिस इज ए ए एक्सिस ठीक है इसके अबाउट डिस्टेंस है यहां पे क्या ए डिस्टेंस में मैंने रखा हुआ है इस पॉइंट मास को तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस ए ए के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा तो क्या होगा बताइए तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर क्लियर बात आ रही बात समझ में अब देखिए ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है किस किस पे डिपेंड कर रहा है मास पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है जिस एक्सिस के अबाउट आप मास बात कर उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस मास का उस मास का क्लियर बात तो मैं बोलता हूं इफ बड़ा केयरफुली चीज में बात करता हूं केस नंबर वन ठीक है केस नंबर वन इस uh, पॉइंट मास में ठीक है इफ मास मास कॉन्स्टेंट ठीक तो क्या होगा बताइए एंड एंड ए इज वेरिएबल ए इज वेरिएबल ऐसा बोलता हूं मैं जो डिस्टेंस है वो कैसा है वेरिएबल है वेरिएबल है क्लियर बात राइट ओके वेरिएबल है मैं मैं बोल दे रहा हूं कि सपोज ए इज ए इज इंक्रीज क्लियर ए इज Uh, है ना एम 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 इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड ए इज इंक्रीज इसको बढ़ाया जाता है इंक्रीज किया जाता है तो बताइए आप बताइए कि आई एम ए ए राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर ओके तो ये क्या हो I कि होगा बताइए आई एम ए ए की जो वैल्यू होगा राइट इंक्रीज करेगा कब इफ एज इंक्रीज एंड मास क्लियर है बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सेकेंड केस में यदि मैं बात करूं सेकेंड केस में बात करूं ठीक है और यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हो क्या आप मास को कांस्टेंट ही रखो मास को कांस्टेंट ही रखो ठीक है और क्या करो ए को आप डिक्रीज करो क्या करो डिक्रीज करो ठीक है ए को क्या करो डिक्रीज करो ठीक मास को कांस्टेंट रख के तो आई एम ए की वैल्यू भी क्या होगा मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी क्या होगा होगा कम हो समझ रहे हैं क्या बात को क्लियर है तो इसका मतलब क्या हुआ एक बॉडी लो अब उससे एक रस्सी से कनेक्ट कर दो अब उसको क्या करो ऐसे घुमाओ मास है उस बॉडी का उसको कॉन्सेंट रखो और क्या कर रहे हो आप यह है, है बॉडी यह है वो क्या है ना रस्सी से बांध दिया है यहां से ऐसे ठीक है अब इसको क्या कर रहे हो आप सॉरी इसको ऐसे घुमा रहे हो समझ रहे हैं बात को क्या तो ये

ऐसा बोलिए आप जैसे एग्जाम्पल बताया ए इज कॉन्स्टेंट एंड एम इज इंक्रीज क्लियर है बात इंक्रीज तो यहां पे बताइए तो जरा आप मेरे को राइट right? की आई एम ए ए बताइए क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइट ऐसे तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन यहां पे कांस्टेंट हो गया तो वेरिएबल क्या है ए कांस्टेंट हो गया तो वेरिएबल क्या है एम डायरेक्ट एम पे डिपेंड करेगा राइट तो यहां पे क्या होगा पता है आपके पास यहां पर डियर की आई एम ए इंक्रीज कर जाएगा भैया कब जब मास क्या हो गया जाएगा इंक्रीज कर जाएगा क्लियर क्लियर बात क्लियर है जी कब जब ए क्या हो कांस्टेंट हो ठीक है यहां पे ए को क्या बोला मैंने कांस्टेंट बोला डियर ठीक ए इज कांस्टेंट ठीक है एंड एम इज इंक्रीज ठीक है ए क्या है कॉन्स्टेंट है भैया और एम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है क्लियर बात ओके okay. यहाँ पे A क्या है कॉन्स्टेंट ओके अरे बात समझ में बिल्कुल समझ में आना चाहिए बिल्कुल समझ में आना चाहिए अब ए को फिर से कांस्टेंट रखो अब मास को क्या करो पता है आपके पास है ना मास ये हो गया वो एक्सिस ये हो गया इधर मास मास को बड़ा रखोगे भैया और ये है आपके पास वो डिस्टेंस जिसको आप बोलिए लेंथ ऑफ द रोप ये मास मास काफी बड़ा है रोटेट करो एफर्ट ज्यादा लगेगा आपको क्योंकि मास वर्जिया ज्यादा है क्लियर अब डिस्टेंस को फिर से आप कांस्टेंट रखो और मास को क्या कर दो छोटा कर दो क्लियर है छोटा कर दो तो आपको कम एफर्ट लगेगा ओबे से बात है क्लियर है क्यों क्योंकि भैया मास क्या हो गया डिक्रीज कर गया और तो इससे क्या हुआ एरिया मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वजिया अभी क्या हो गया डिक्रीज कर जाएगा क्लियर है जी तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है जी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब इन सारी बातों को ना और अब फील कर पाओगे अच्छे से जब हम लोग है ना डायनेमिक में एक्चुअली एक्चुअली ना एक्चुअली हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायनेमिक में सबसे ज्यादा डील करते हैं वहां पे एप्लीकेशन की डिस्कस करते हैं डियर क्या करते हैं एप्लीकेशन की डिस्कस करते हैं जहां पे हम लोग ना हम लोग बात करते हैं बिया रोटेशनल मोशन रोटेशनल रोटेशनल मोशन की बात करते हैं और रोटेशनल मोशन में हम लोग बात करते हैं क्या रोटेशनल रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी की बात करते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच वन बाई टू आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्लियर है और ये ओमेगा क्या है आपके पास ये ओमेगा है भैया एंगुलर एंगुलर स्पीड है ये समझ रहे हैं क्या जिस एंगुलर स्पीड से ऐसा आप इसको क्या करा रहे थे रोटेट करा रहे थे ओमेगा यहाँ पर ओमेगा इस तरह से क्लियर है सपोज यहाँ पे वन बोला था तो वन बोल तो ये टू ठीक है जी अरे बात समझ में तो और फील कर पाओगे जब हम लोग है ना डायनेमिक की बात करेंगे जिसमें ये सब रोटेशनल मोशन वगैरह बात करेंगे ठीक तो ये भी आप कनेक्ट कर पाएंगे रोटेशनल मोशन के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है भैया जैसे यहाँ से भी आप कनेक्ट कर पाए ओके okay? तो चलिए आई होप कि आपको आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है बहुत अच्छे वे में क्लियर हो गया होगा और आप पूरे लेक्चर से यहाँ सिक्वेंस में बने रहना है ना कंसेप्चुअली हर एक बातों को कनेक्ट करना तो और चीजें क्लियर होगा है ना जी ओके okay? तो जरूर फीडबैक दीजिएगा थैंक यू सो मच